मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी वीडियो आप फौरन देख सकें। अस्सलामुअलैकुम, मैं नसरीन, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बेसन के चिल्ले बनाने जा रही हूँ। ये बारिश के मौसम में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ये बेसन लिया है हमने एक कटोरी, ये 50-60 ग्राम बेसन है, और ये 2 चम्मच सूजी ली है हमने, 2 चाय के चम्मच। ये ऑयल चाहिए हमें जितना लगेगा, ये 1/4 कटोरी है। ये हरा धनिया लिया है हमने, इसको काट लिया है। एक प्याज लिया है हमने, इसको भी बारीक काट लिया है। एक टमाटर लिया है, ये भी ऐसे ही काट लिया है जैसे प्याज। ये 2 हरी मिर्च ली हैं मोटी वाली, इन्हें भी हमने ऐसे ही काट लिया है इसी शेप में। ये शिमला मिर्च ली है आधी हमने, ये भी हमने प्याज टमाटर जैसे ही काट लिए। ये सूखे मसाले चाहिए हमें, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, कुछ कम है 1 चम्मच से, आप अपने टेस्ट के मुताबिक लें मिर्च और नमक, क्योंकि इसमें हरी मिर्च भी है और शिमला मिर्च भी। ये हल्दी पाउडर लिया है हमने 1/2 चम्मच से कम, 2-3 चुटकी। 2 चुटकी गरम मसाला पाउडर लिया है, 2 चुटकी चाट मसाला लिया है हमने। ये दोनों हमारे होममेड हैं, इसकी वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। खाली बाउल लिया है हमने, इसमें हम बेसन डालेंगे, सूजी डालेंगे, और ये सारे सूखे मसाले डालेंगे, मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी, चाट मसाला, गरम मसाला, मिक्स करेंगे हम इनको, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम मिलाएंगे ये सब्जियां, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, शिमला मिर्च, मिक्स करेंगे हम इसको। ये मिक्स कर लिया है हमने, अब हम इसमें पानी डालेंगे और घोल तैयार करेंगे हम। ये हमारा घोल तैयार है, ये इस तरीके का होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला ना गाढ़ा। अब हम इसको 15 मिनट रखेंगे और फिर इसके बेसन के चीले बनाएंगे। ये बेसन तैयार है हमारा, अब हम इससे चीले बनाएंगे। ये हमने हल्का सा घी लगा लिया है फ्राई पैन में, गरम कर लिया है इसे, इसमें हम बेसन डालेंगे। आँच को हम रखेंगे कम, बिल्कुल हिला देंगे इसको, छोटे छोटे बनाएंगे हम, ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे। अब इसको एक साइड से हम पकने देंगे, देख सकते हैं इसको, इसको 3 मिनट हो गए हैं ऐसे ही फ्राई पैन में, हमने आँच स्लो कर दी थी। अब हम इसको पलटेंगे, ये देखिए साइड से हो चुका है। अब इसी तरीके से हम दूसरे साइड से पकाएंगे, ऑयल डाल देंगे हम चारों तरफ ऐसे, इस तरीके से ऐसे हिला देंगे हम ताकि अच्छे से ऑयल इसके नीचे चला जाए, और इसी तरीके से हम 3 मिनट और पकाएंगे। आप देख सकते हैं ये दूसरी साइड से भी हो गया है, देखिए। अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में, ये हमने प्लेट में निकाल लिया है। ये बहुत ही क्रिस्पी बना है, इसमें सूजी डाली है तो इससे ये क्रिस्पी बन गया है। अब हम ऐसे ही दूसरा डालेंगे, बिल्कुल ऐसे ही हम दूसरा तैयार करेंगे। जितना आपको बड़ा बनाना हो उतना ही बैटर डालेंगे, थोड़े मोटे ही बनते हैं, ज़्यादा पतले नहीं। इसको
3 मिनट तक हम स्लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे, फिर पलटेंगे ऐसे ही हम। इसी तरीके से हम सारे तैयार करेंगे और आपको दिखाएंगे। ये बेसन के चिल्ले हमारे तैयार हैं, हमने इनको सर्व कर दिया है। ये मानसून स्पेशल हैं, बारिश के मौसम में ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। मैं इसको आपको काट कर भी दिखाती हूँ एक बार, ये कितनी क्रिस्पी बने हैं और अंदर तक अच्छे से पक गए हैं ये। आप देख सकते हैं ये बहुत ही यम्मी लग रहे हैं। आप भी हमारे तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। अल्लाह हाफिज़।